कानपुर नगर से जहां भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्यकर्ता बैठक का किया आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में आए अजय अवस्थी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। यूपी 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने फूंका बिगुल। कानपुर शहर के नौक्सता स्थित उत्तम गार्डन गेस्ट हाउस में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अजय अवस्थी को कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। आज दिनांक 23 अगस्त दिन सोमवार को नौक्सता के खाड़ीपुर स्थित उत्तम गार्डन गेस्ट हाउस में एक कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि अजय अवस्थी भारतीय शक्ति चेतना पार्टी सिद्धाश्रम रत्न के राष्ट्रीय महासचिव को फूलों का माला पहनाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि श्री अवस्थी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। श्री अवस्थी ने अपने संबोधन में कहा कि श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के आदेशानुसार यूपी 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी 2022 विधानसभा चुनाव जीत के लिए हम सभी को अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष करने की जरूरत है। हम सभी को मिलकर हर विपत्ति और हर कठिनाई का सामना करना है। कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय प्रवक्ता रमेश चंद्र मिश्रा ने किया। इस मौके पर बीरेंद्र सिंह प्रांतीय अध्यक्ष, रामकरण सिंह प्रांतीय प्रभारी, सीमा उत्तम, रामेंद्र सिंह तोमर, एसपी मिश्रा, सुभाष चंद्र, सौरभ मिश्रा, सीमा उत्तम, राजा अवस्थी सहित समस्त पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। एंग्लो इंडियन न्यूज, सच की तह तक। आज क्या कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? आज उत्तर प्रदेश की भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की प्रांतीय चिंतन बैठक था और इसमें आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ा जाए, क्या हम लोग के मुद्दे हों और क्या हम लोग को उत्तर प्रदेश के लिए करना है, यहाँ की जनता के लिए, उस पर चर्चा हुई। आपका नाम? राकेश कुमार त्रिपाठी, प्रांतीय अध्यक्ष भारतीय शक्ति चेतना पार्टी उत्तर प्रदेश राज्य। आज क्या कार्यक्रम? ये भक्ति मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में आगामी विधानसभा 2022 के लिए संभावित प्रत्याशियों का चयन, विधानसभा की तैयारियों के बारे में निर्णय लेना, प्रचार प्रसार के बारे में निर्णय लेना, इन सब कार्य के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजय अवस्थी जी के द्वारा ये बैठक आहूत की गई थी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से, जैसे हमीरपुर, बांदा जनपद, औरैया, महोबा, लखनऊ, फतेहपुर, उन्नाव जनपद, कानपुर देहात, कानपुर नगर के संगठन के जिला अध्यक्ष, पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं उनके अन्य जिला स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी इस बैठक में सम्मिलित हुए। उनको भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जिसका एक संकल्प है कि धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा, जिसके कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारी पूर्ण रूप से नशामुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान और चेतनावान का जीवन जीते हुए समाज को भी इस दशा में बढ़ने का निर्देशन दे रहे। मैं आपके चैनल को ये बता देना चाहता हूँ, शायद ही देश में इस तरह की कोई ऐसी पार्टी हो जो पूर्ण, जिसके कार्यकर्ता पदाधिकारी पूर्ण नशा मुक्त हो, मांसाहार मुक्त हो, चरित्रवान हो, चेतनावान समाज के निर्माण के लिए जन जागरण कर रहे हों। वैसे आप सभी लोग देख रहे हैं राजनीति का परिदृश्य कैसा चल रहा। आज राजनीति सबसे खराब दौर से गुजर रही है। नेता लुटेरे हो गए हैं। आपने जो बुनियादी जरूरतें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन पर कोई राजनीतिक दल बात नहीं करना चाहता है। अभी मानसून सत्र में आपने देखा लोकसभा में किस तरह से देश की राजनीतिक पार्टियों ने
पूरा मानसून सत्र जो जनता की गाढ़ी कमाई से एक एक सत्र 2500 लाख रुपए का संपादित होता है, कैसे उस समय को गुजार दिया। राजनीति में मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के आज को एक ये निवेदन आग्रह करना चाहता हूं कि राजनीति में अच्छे लोग जैसे अधिवक्ता समाज है, डॉक्टर समाज है, समाजसेवी लोग हैं, उनको आकर के इस राजनीति की दिशा और दशा को सुधारने का संकल्प लेना होगा, तभी राजनीति सुधरेगी। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।